अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के आह्वान पर मंडी स्थित मुख्य डाकघर के मुख्य द्वार पर ग्रामीण डाक सेवक संघ मंडी ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। मंडी डिवीजन के प्रधान युद्ध कुमार शर्मा ने कहा कि यह अनिश्चितकालीन हड़ताल 22 मई से शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि यह हड़ताल सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने और कमलेश चंद्रा समिति की रिपोर्ट को लागू करने को की जा रही है और यह अनिश्चितकालीन हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक इस पर कोई निर्णायक फैसला नहीं होता है। हमारी ये अनिश्चितकालीन हड़ताल 22/5/2018 से चली हुई है। ये हमारे सेवंथ पे कमीशन कमलेश चंद्रा समिति रिपोर्ट को लागू करने के बारे में है जो अनिश्चितकालीन है। ये कभी भी जब तक फैसला नहीं हो जाता है तो तब तक ये हड़ताल चलती रहेगी। ग्रामीण डाक सेवक संघ मंडी डिवीजन के प्रधान युद्ध कुमार शर्मा ने कहा कि 2014 में सरकार और विभाग के द्वारा वेतन और भत्तों की संरचना के लिए कमलेश चंद्रा कमेटी का गठन किया गया था और कमलेश चंद्रा समिति ने अपनी रिपोर्ट नवंबर 2016 में सरकार और विभाग को सौंप दी थी, लेकिन इतना समय बीत जाने पर भी सरकार और विभाग के द्वारा कमलेश चंद्रा समिति की रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया, जिसके चलते ग्रामीण डाक सेवकों में सरकार और विभाग के प्रति काफ़ी रोष है। 2014 में सरकार और विभाग ने हमारी वेतन और भत्तों को संरचना के लिए कमेटी का गठन किया था, ये कमलेश चंद्रा समिति। तो कमलेश चंद्रा समिति ने 2016 में अपनी नवंबर 2016 में अपनी रिपोर्ट सरकार और विभाग को सौंप दी, लेकिन आज दिन तक सरकार ने हमें धोखे में रख के कभी वित्त मंत्रालय में कभी पीएमओ ऑफिस में 5-6 महीने तक लटकाने के बाद हमने दिल्ली में जा कर के पीएमओ हाउस रेस कोर्स दिल्ली पे उनके आवास के ऊपर 10,000 डेलीगेटों ने 15/3/2018 को धरना दिया और हमें 3 हफ्ते का समय दिया गया था, लेकिन 3 हफ्ते के बजाय 4 महीने हो गए, अभी तक भी कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। आपको बता दें कि अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के आह्वान पर ग्रामीण डाक सेवक अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। ग्रामीण डाक सेवक संघ की मांग है कि सरकार और विभाग कमलेश चंद्रा समिति की रिपोर्ट को लागू करें। रिपोर्ट के चैनल।